force acting on current carrying conductor in magnetic field. डिस्कशन पहले हो चुका है, फिर भी एक बार दो मिनट के लिए समझना होगा कि आखिर फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकाला गया। देखिए, मैं एक कंडक्टर लेता हूं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी क्रॉस से बताया जाता है तो इनवर्ट फील्ड कहलाता है। इनवर्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका माइनस के कैप होता है। मुझे निकालना है कि अगर इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाने वाला है। पहला क्वेश्चन ये आता कि फोर्स लगाएगा क्यों, कारण है कि जब करंट पास होगा तो हम ये जानते हैं किसी भी कंडक्टर से करंट पास होने पर उसके आसपास एक फील्ड डेवलप होता है, वो कौन सा फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर से करंट पास होने पर उसके आसपास कौन सा फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड और पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड दो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। लाइक मैग्नेट के सेम पोल होते तो क्या होता, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन। ऑपोजिट पोल होते तो क्या होता, अट्रैक्शन। ये रीजन है कि आखिर इनके बीच में क्या इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। हम ये नहीं सोच रहे कि अट्रैक्शन हो रहा है, हम ये नहीं सोच रहे कि रिपल्शन हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ये फोर्स हो रहा है। हम इंटरेस्टेड हैं फोर्स के बारे में। कंडक्टर को ऐसा भी समझा जा सकता है, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो थोड़ा समझिएगा करंट की डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, मतलब वायर में क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज, मतलब चार्ज किस में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, छोटे चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, छोटे चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में q मतलब क्या कहलाता है, चार्ज, v वेलोसिटी और b मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, पार्टिकल मोशन में रेस्ट पर है, मोशन में रेस्ट पर है, मोशन, मोशन में इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी है या नहीं है, वेलोसिटी है, स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो लगने वाला क्या होगा, फोर्स। भाई अभी तक हम केवल चार्ज की बात करते थे, इस बार हम करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट और चार्ज का रिलेशनशिप कैसे होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हम भी जानते हैं करंट को लिखा जा सकता है इक्वल टू डीक्यू बाय डीटी। कितने टाइम में चार्ज मोशन करेगा, डीटी टाइम में। कितने टाइम में चार्ज मोशन करेगा, डीटी टाइम में। कहां से मोशन करेगा, ओपन टू द मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ऑन द मेटल सरफेस या आउटसाइड द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस। छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, छोटा सा सेगमेंट, छोटे से सेगमेंट का लेंथ लेता हूं डीएल। लेंथ लेने के बाद इसमें जितना, जितने टाइम में चार्ज पास होता है वो कितना टाइम है, डीटी। कितना चार्ज पास होता है, डीक्यू, स्मॉल चार्ज। कितना फोर्स लगता है, स्मॉल फोर्स, डीएफ। वापस सुनिएगा, मान लीजिए करंट यहां से फ्लो हो रहा है, सपोज ये ए और सपोज ये बी है,
आप और हम जानते हैं करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, ए से बी या बी से ए, ए टू बी या बी टू ए, तो ए किस पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, बी किस पर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे होंगे, बी टू ए या ए टू बी, बी टू ए, कहाँ से कहाँ, बी टू ए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर हुआ, आते हुए यहाँ पर आया, आते से ही यहाँ से यहाँ गया, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, छोटे से डिस्टेंस को कहाँ डीएल, कितने टाइम में कवर किया, स्मॉल टाइम में, कितना चार्ज पास हुआ, स्मॉल चार्ज, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल। मैं कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, कंडक्टर का छोटा सा पार्ट, छोटे 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 पार्ट को आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या बन जाता है, फोर्स ऑन टोटल कंडक्टर, क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन टोटल कंडक्टर, क्या यह सही है, तो मैं कह सकता हूं फोर्स ऑन स्मॉल कंडक्टर DF, उससे चार्ज कितना पास हुआ, DQ, आप और हम कह सकते हैं V क्रॉस B, DF इक्वल टू DQ V क्रॉस B, DF इक्वल टू DQ, और देखो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है बताओ मुझे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो V इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ DL बाई DT, आई कैन राइट V इक्वल टू DL बाई DT, कैसे इसको लिखा, V इक्वल टू DL बाई DT क्रॉस B, तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं DF इक्वल टू DQ बाई DT DL क्रॉस B, एक्सप्रेस करने का तरीका और समझो, DF DQ बाई DT को क्या लिखा जा सकता है, I DL क्रॉस B, DF की वैल्यू आपके पास आ गई I DL क्रॉस B, छोटे से कंडक्टर पर ये फोर्स था, जैसे इसको टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन DF का इंटीग्रेशन, DF का इंटीग्रेशन F, DL का इंटीग्रेशन L, DF का इंटीग्रेशन F I L क्रॉस B, F मतलब क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, L मतलब टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, F, L मीनिंग L वेक्टर, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और L वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। B कौन सा फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस कर चुका था, एक बार फिर बता रहा हूं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इस मैग्नेटिक फील्ड की खास बात समझिए, एबीसीडी इसमें आई करंट फ्लो हुआ, क्लोज लूप या ओपन लूप है, क्लोज लूप या ओपन लूप है, क्लोज, मैं बात करता हूं ए से शुरू होते हुए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हुआ तो बताओ इस पर फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स होगा, जीरो, तो अगर किसी क्लोज लूप को, अगर किसी कौन से लूप को, क्लोज लूप को किस में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड, किस में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसमें क्या फ्लो होना चाहिए, करंट, क्या फ्लो होना चाहिए, करंट, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की जाए तो क्लोज लूप के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा। एक और स्ट्रक्चर समझिए आप ध्यान से, मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से है, करंट यहां से फ्लो हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक रेडियस आ रहे, यहां से यहां तक का रेडियस आ रहे, करंट कहां से एंटर हुआ, ए, निकला कहां पर, बी, शेप कैसा है, सर्कल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, शेप कैसा है, सेमी सर्कल, लेकिन जब हमें फोर्स निकालना होगा
तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ए, एंडिंग पॉइंट कौन सा है बी, जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, जॉइंट बाय विच लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहां ज्वाइन करने पर आर आर कितना हो गया, आर आर कितना हो गया 2R। तो फोर्स निकालते समय L वेक्टर क्या लिया जाएगा 2R प्लस आई कैप, क्या लिया जाएगा L वेक्टर 2R प्लस आई कैप। और प्लस आई कैप का कारण क्या, आप देख सकते हैं A से B अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को प्लस आई कैप लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा प्लस आई कैप। और केवल लेंथ की बात करते तो कितना आता आर आर टू आर, लेंथ आर आर टू आर आता या लेंथ पाई आर आता, लेंथ कितना आता पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया टू आर, ये डिफरेंस आएगा। वहाँ एल का मीनिंग लेंथ नहीं है, लेंथ होता था तो हमें क्या लिखना पड़ता था पाई आर, जबकि क्या लिखना पड़ रहा है टू आर। तीसरा केस इसी के अंदर जो हम समझ सकते हैं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रक्चर इस तरह का दिया गया है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेमी सर्कल के दो पार्ट दिए हुए, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से जा रहा है, रेडियस आर दे रखा है सर्कल का। देखिए अब ए से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जहां से करंट इंटर हो रहा है ए, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ए, एंडिंग पॉइंट कौन सा है बी। अब ए से बी को ज्वाइन कर दो, तो ए से बी को ज्वाइन करने पर यहां से आर आर कितना हो गया टू आर, फिर आर आर कितना हो गया टू आर, टू आर टू आर कितना हो गया फोर आर, 2R 2R कितना हो गया 4R। मतलब अभी भी लेंथ की बात करें तो लेंथ होता पाई आर प्लस पाई आर, कितना होता 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4R, कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4R। यहां तक सभी को क्लियर है। तीसरा जो कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है जिस सेगमेंट से, वो क्वेश्चन ऐसा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड ये वाला दिया हुआ है, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, आपको दो बातें बतानी है, एक बताना है फोर्स कितना होगा हर आर्म पे, नेट फोर्स, दूसरा नेचर ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन होगा ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। भाई पहले वाले केस में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बताया गया है, तो क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड, अच्छा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड या आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मीन्स माइनस के या प्लस के, माइनस के प्लस के, तो मैं कह सकता हूं बी मैग्नेटिक फील्ड माइनस के प्लस के माइनस के, यहां तक सभी को क्लियर है, बी मैग्नेटिक फील्ड माइनस के प्लस के माइनस के। ए से बी गए आप, ए से बी रेक्टेंगुलर फ्रेम अवेलेबल है, कौन सी फ्रेम है बच्चों रेक्टेंगुलर फ्रेम, मैं रेक्टेंगुलर फ्रेम में यहां से यहां तक मान लेता हूं बी, एल समझ लीजिए, यहां से मैं समझ के चलता हूं बी, या इसे ले लीजिए बी, इसे ले लीजिए एल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मुझे नेट फोर्स निकालना है, अगर नेट फोर्स निकालना है तो बिना निकाले आंसर बताओ कितना आने वाला है, क्लोज लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो आंसर कितना आता है जीरो,
पर अगर इंडिविजुअल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स निकालते समय फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन सी डी एंड फोर्स ऑन व्हाट डी ए, मुझे किस किस पे फोर्स निकालना पड़ेगा? ए बी किस पर, बी सी किस पर, सी डी किस पर, डी ए, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन सी डी एंड फोर्स ऑन डी ए। देखिए सबसे कितना करंट फ्लो हो रहा है। जब भी फोर्स निकालना होता है तो फोर्स का फॉर्मूला आप और हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। फोर्स इक्वल टू कितना होता है? आई एल क्रॉस बी, बराबर। आई मतलब क्या? करंट, एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह में करंट, हर लूप में या हर साइड में करंट कितना हो रहा है? आई। लेंथ या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, एल ए टू बी, मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस बी, ये बी टू सी आएगा। एल कहां से कहां बताओ? सी टू डी। एल कहां से कहां? डी टू ए। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आई। अब देखिए ए टू बी की हम बात करें, फ्रॉम ए टू बी, रिप्रेजेंटेशन समझना, प्लस आई माइनस आई, प्लस जे माइनस जे, प्लस आई माइनस आई, प्लस जे माइनस जे, बराबर। ए टू बी कहां पर? प्लस जे माइनस जे। अच्छा कितना है? स्मॉल बी है एल, ए टू बी स्मॉल बी, स्मॉल बी प्लस जे, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के। तो बोलो देखो, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। बोलो जे क्रॉस के कितना होता है? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो देखो यहां पर जे क्रॉस के कितना आ जाता है? आई। तो आ जाता है आई स्मॉल बी कैपिटल बी माइनस आई प्लस आई माइनस आई। सेकंड वाला आप बताएंगे भाई, बी टू सी बताओ, बी टू सी, बी टू सी कहाँ जाएगा? प्लस आई माइनस आई। अच्छा स्मॉल बी है स्मॉल एल, स्मॉल एल क्या आएगा? स्मॉल एल। तो ये आ गया आई स्मॉल एल प्लस आई मैग्नेटिक फील्ड माइनस के, आई स्मॉल एल कैपिटल बी आई क्रॉस माइनस के, और आई क्रॉस माइनस के कितना आता है? देखो के क्रॉस आई कितना होता है? के क्रॉस आई जे। तो आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस जे। कितना होगा? माइनस जे माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। वापस सोच लो एक बार, के क्रॉस आई होता तो कितना आता है? जे। पर यहाँ आई क्रॉस के या के क्रॉस आई? आई क्रॉस के, मतलब माइनस जे प्लस जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस जे। ऑलरेडी एक और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो मैं कह सकता हूँ आई स्मॉल ए बी माइनस माइनस प्लस प्लस जे। यहाँ तक सभी को बात समझ में? नाउ सी टू डी हम बात करते हैं, लेट डिस्कस अबाउट सी टू डी। सी टू डी करंट आया तो बोलो सी टू डी क्या होने वाला है? माइनस जे प्लस जे, माइनस जे, बराबर। आई यहां से यहां तक का लेंथ देखो कितना है? बी, ये भी ए तो ये भी बी होगा, माइनस ए क्रॉस बी माइनस के, आई स्मॉल बी कैपिटल बी जे क्रॉस के, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। बोलो जे क्रॉस के कितना होता है? व्हाट इज जे क्रॉस के? आई। जे क्रॉस के कितना है? प्लस आई माइनस आई प्लस आई। आखिरी में देखो आई, बोलो आई कहां से कहां? डी टू ए, वी विल डिस्कस डी टू ए। डी टू ए कहां पर आएगा? माइनस माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई, डी टू ए माइनस आई। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे आपके पास में एल
माइनस आई बी माइनस के आई स्मॉल कैपिटल बी आई क्रॉस के आई स्मॉल कैपिटल बी आई क्रॉस के कितना होता है आपके पास में माइनस जे प्लस जे माइनस जे। अब इन सबको ऐड करके देखो बेटा नेट फोर्स जो मुझे निकालना है पहले वाले का बोलो कितना है आई स्मॉल बी कैपिटल बी माइनस आई प्लस आई माइनस आई प्लस आई स्मॉल बी प्लस जे प्लस आई स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस आई आई स्मॉल एल कैपिटल बी माइनस जे। इन सबको ऐड करके देखो ये माइनस आई ये प्लस आई जीरो ये प्लस जे और ये माइनस जे जीरो। नेट फोर्स का आंसर कितना आता है जीरो। डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने के प्लेस पे अगर इंडिविजुअल भी सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आने वाला है। क्या इस केस में नेट फोर्स जीरो आ रहा है? आप पूरी डायग्राम करो ऑब्जर्व करो कि आपके पास में ए टू बी था ये बी टू सी था सी टू डी और डी टू ए करंट फ्लो हुआ इस तरह से। देखो ए टू बी चेक करो माइनस आई या प्लस आई माइनस आई या प्लस आई मतलब इस पे फोर्स लगा ऐसा और कितना फोर्स लगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी। अब आप चेक करो बी टू सी में प्लस या माइनस है और मैग्नीट्यूड चेक करो कितना है आई स्मॉल एल कैपिटल बी आई स्मॉल एल कैपिटल बी बराबर। अब ये चेक करो सी टू डी चेक करो प्लस आई आ रहा है माइनस आई आ रहा है अरे प्लस आई माइनस आई प्लस आई मतलब इस तरह से आएगा आपके पास में तो याद आएगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी। नाउ डी टू ए चेक करो डी टू ए आई स्मॉल एल बी। अब ये चेक करो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट इसकी इसकी डायरेक्शन नेट फोर्स कितना आ रहा है। अच्छा क्या कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जिससे रोटेशनल मोशन हो? क्या कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिससे रोटेशनल मोशन हो या कैसे पहचाने सर रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं होगा? टॉर्क लग रहा है क्या? टॉर्क टॉर्क लग रहा है किसी केस में? मतलब नेट फोर्स जीरो है और इस इक्वेशन में नेट टॉर्क भी जीरो है। जब भी किसी सिस्टम पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क जीरो होता है तो हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं कौन कौन से? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। नेट फोर्स जीरो होता है तो कौन सा? ट्रांसलेशनल। नेट टॉर्क जीरो होता है तो कौन सा? रोटेशनल। नेट फोर्स जीरो ट्रांसलेशनल, नेट टॉर्क जीरो रोटेशनल। दो टाइप के स्ट्रक्चर मौजूद अवेलेबल हैं, दो टाइप के इक्विलिब्रियम मौजूद हैं। पर अगर दोनों ही एप्लीकेबल हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ये लूप पूरा के पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इसका मोशन नहीं होगा। ना तो ये लीनियरली मूव करेगा ना ही ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। इसे समझने के बाद इस क्वेश्चन में देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या समझा जा सकता है। नीचे वाले केस में अभी तक मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? इनवर्ट थी या आउटवर्ट थी? इनवर्ट या आउटवर्ट? लेकिन देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अलोंग प्लस आई अलोंग माइनस आई अलोंग प्लस आई अलोंग माइनस आई। तो देख सकते हो आप लोग इस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई ए टू बी बी टू सी सी टू डी एंड डी टू ए यहां से करंट फ्लो हुआ आई दिस इज प्लस आई माइनस आई प्लस जे और माइनस जे प्लस आई माइनस जे
यहां से यहां तक, बी यहां से यहां तक स्मॉल ए, बिना सॉल्व के आंसर पूछते बताओ नेट फोर्स कितना आता, नेट फोर्स कितना आता, जीरो, नेट फोर्स मानते हम लोग जीरो। लेकिन हम इंडिविजुअल फोर्स निकालने जाए, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन सी डी, ए टू बी, चेक करो ध्यान से बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बोलो कितना, आई आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी में आई क्या कहलाता है, करंट, एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बी कौन सा फील्ड, बी कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक। भाई ए से बी प्लस या माइनस ए, और कितना लेंथ है, बी, बी ब्रैकेट में प्लस जे, बी ब्रैकेट में प्लस जे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहाँ है, प्लस आई माइनस आई, राइट है या लेफ्ट है, तो प्लस आई माइनस आई, प्लस आई, बी प्लस आई, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, जे क्रॉस आई, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में आप समझ सकते हो, देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई बोलो कितना है, जे, और इसका उल्टा करते हैं, बोलो आई क्रॉस जे के प्लस पे क्या लिखते हैं, जे क्रॉस आई माइनस के प्लस के, माइनस के क्रॉस जे बोलो कितना लिखते हैं आप, माइनस आई, आई क्रॉस के बोलो कितना लिखते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस के, नहीं आई क्रॉस के माइनस के। अब चेक करो वहां पर क्या अवेलेबल है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के प्लस के, माइनस के, और माइनस के का मीनिंग आप क्या समझोगे, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड, यहां पर ये इनवर्ड फोर्स लगने वाला है। तो बी टू सी बात करते हैं, जब आप बी टू सी बात करोगे करंट फ्लो होते हुए, तो बी टू सी का मीनिंग क्या निकला, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, भाई फील्ड कहाँ है, प्लस आई माइनस आई, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, प्लस आई माइनस आई, दोनों की डायरेक्शन सेम डिफरेंट, सेम, बी टू सी चेक करो, स्मॉल ए प्लस आई, बी प्लस आई, आई स्मॉल ए कैपिटल बी, आई क्रॉस आई, बोलो आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, क्रॉस प्रोडक्ट इन सब का क्या होता है, जीरो, जैसे जीरो आया, आई स्मॉल ए कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर विल बी जीरो, फोर्स आ गया जीरो। नाउ सी टू डी की बात करते हैं हम लोग, नाउ सी टू डी चेक करो कैसा आएगा, सी टू डी माइनस जे प्लस जे, माइनस जे, यहां से यहां बी है, ये बी है तो ये भी बी होगा, माइनस जे बी प्लस आई, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, माइनस जे क्रॉस आई, अब चेक करो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई वापस चेक करो बच्चों, जे क्रॉस आई माइनस के प्लस के, एक ये माइनस और दूसरा ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो मैं कह सकता हूं आई स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस के, प्लस के मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, यहां तक सभी को बात समझ में आई। नाउ आई डी टू ए की हम बात करते हैं, विल टॉक अबाउट द डी टू ए, डी टू ए के केस में आप चेक कर सकते हो, डी टू ए मतलब आ सकते हो आप माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई, माइनस आई, तो हम ये कह सकते हैं स्मॉल ए माइनस आई बी मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई, आई ए स्मॉल बी माइनस आई क्रॉस आई, आई ए स्मॉल बी, आई क्रॉस आई कितना हो गया, जीरो, ये आ जाता है फोर्स आपके पास में, जीरो।
मीनिंग ये हुआ, सबका सम करके देखो बेटा, आई ए आई बी बी माइनस के जीरो प्लस आई स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है? मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन ऑपोजिट, नेट फोर्स कितना आया? नेट फोर्स आ गया जीरो। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास में नो फोर्स, दिस फोर्स इज जीरो, दिस फोर्स इज जीरो, ओके। ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ए टू बी, बी टू सी, डी टू सी टू डी एंड डी टू ए। आप ए टू बी चेक करो थोड़ा सा, ए टू बी इनवर्ड फोर्स लग रहा है मतलब क्रॉस, इस पर लग रहा है आउटवर्ड मतलब कैसा? डॉट। मीनिंग ये हुआ, मान लीजिए बुक है ये इस तरह से रखी हुई, क्रॉस फोर्स लगने का मतलब अंदर की तरफ फोर्स, डॉट फोर्स लगने का मतलब कहाँ की तरफ फोर्स? बाहर की तरफ। तो देखो ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, कौन सी मोशन हो रही है? कौन सी मोशन हो रही है? रोटेशनल मोशन। ये फोर्स लगा इनवर्ड, ये लगा आउटवर्ड। इसे ऐसा समझा जा सकता है, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता, यहां पे एक फोर्स लगता है एफ, यहां पर एक फोर्स लगता है एफ, ये कहां लग रहा है? डाउनवर्ड अपवर्ड। ये कहां लग रहा है? अपवर्ड। ये लग रहा है डाउनवर्ड, ये लग रहा है अपवर्ड। देखो कौन सी मोशन हो रही है, कौन सी मोशन हो रही है? रोटेशनल। जब भी रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व हो रही है, एक बार फिर समझ लेना, ये आपके पास में इस तरह का बुक अवेलेबल। क्रॉस का मीनिंग क्या है? इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब जो भी प्लेन है उससे अंदर की तरफ, ये रहा आपके पास में प्लेन, इस वाली आर्म पर फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। डॉट का मीनिंग क्या? इस वाली आर्म पर फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। इस पे लगा अंदर, इस पे लगा बाहर। तो आप खुद देख सकते हो, देखो कौन सी मोशन हो सकती है, एंगुलर मोशन। कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन कहा जा सकता है इस मोशन को। अब अगर रोटेशनल मोशन है तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं, तो क्या ये लूप इक्विलिब्रियम में रहेगा? ये लूप कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम लेने के लिए दो टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन? नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, लेकिन यहां पे नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टॉर्क की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क किसके अबाउट निकाला जाए, ये पॉइंट होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, रोटेशन मोशन में टॉर्क आप अगर कुछ ना दिया गया हो तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हो। किसके अबाउट निकाल सकते हो? एक ऐसी लाइन जो किससे पास होती है, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट टॉर्क को निकाला जा सकता है। तो हम इस लूप में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। भाई टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज डिफाइंड एज, तीन तरह से डिफाइंड होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, या एक और होता है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, आर क्रॉस एफ। तीनों में से जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। भाई अगर वेक्टर के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप आर क्रॉस एफ प्रेफर करते हो, अगर परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा है तो फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हो, वो नहीं मिल रहा है तो डिस्टेंस को रिजॉल्व कर लेते हो, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हो। कहां पर क्या अप्लाई करना है, कहां पर क्या अप्लाई करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे गिवन। देखिए यहां फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास में स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये रहा फोर्स अंदर की तरफ। बताइएगा इस वाले स्ट्रक्चर में, मतलब इसमें और कॉपी या कह सकता हूं बुक के अंदर कितना एंगल नजर आ रहा है? कितना एंगल नजर आ रहा है बताइए? जब आउटवर्ड लग रहा है तो कितना एंगल नजर आ रहा है? तो ऑलरेडी हम सोचें तो फोर्स और यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एंगल कितना है? 90। यस नो? तो हमारा काम वैसे हो जाएगा, किस इक्वेशन से? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू भाई यहां से यहां टोटल कितना है, यहां से यहां टोटल कितना है? ए। तो इसका हाफ ये कितना होगा?
ए बाई टू, ये अगेन इसका हाफ कितना होगा ए बाई टू, ये डिस्टेंस है टोटल ए, तो इसका हाफ कितना होगा ए बाई टू, इसका हाफ कितना होगा ए बाई टू, ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए। यहां तक सभी को क्लियर है? तो हम नेट टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क ऑन आर्म ए बी एंड टॉर्क ऑन आर्म सी डी, दोनों टॉर्क का वेक्टर सम निकाला जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, आपके हिसाब से इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड, इस पे कहाँ लग रहा है आउटवर्ड, कैसी मोशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, चेक करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पक्का? मैंने बताया था पहले भी आपको, क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को नहीं बताता है, ये टाइप ऑफ द मोशन को बताता है, टाइप ऑफ द मोशन को बताता है, मींस या तो क्लॉकवाइज मोशन होगा या फिर कौन सा मोशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह के नेचर को बताने का काम करता है कौन, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव। तो देखिए टॉर्क ड्यू टू ए बी निकाला जाए, तो टॉर्क निकालते समय फोर्स ऑन ए बी ब्रांच का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है ए बाई टू, कितनी आ रही है ए बाई टू, और अगर साइन की बात देखी जाए तो वो इधर की तरफ घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सोच लो क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन प्लस साइन माइनस साइन, तो हम ले सकते हैं माइनस साइन, फिर वापस से माइनस साइन, फोर्स डी टू सी डी का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ए बी का फोर्स का मैग्नीट्यूड चेक करो कितना है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय ए बाय टू, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, आई स्मॉल बी कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय ए बाय टू, तो हम ये कह सकते हैं माइनस आई स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी डिवाइड बाय टू स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी डिवाइड बाय टू, टॉर्क ऑन ए बी लूप आ जाता है माइनस आई ए बी स्मॉल बी कैपिटल बी, दोनों को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई नेगेटिव साइन बताता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये टॉर्क का एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा, आई ए बी टॉर्क इक्वल टू बी आई एन, बी आई एन और ए, जहां की बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट नंबर ऑफ टर्न और ए कहलाता है एरिया, ये कहलाता है एरिया। हमें इस बार क्या गिवन है, इस बार पहले इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन था, याद करो यहाँ डॉट फील्ड बताया है, डॉट मतलब आउटवर्ड है इनवर्ड है, तो अभी करंट फ्लो हो रहा है आई, आई वापस से आई और वापस से यहाँ पर आई, यहां से यहां तक का सेपरेशन में कहता हूं बी और ये कहता हूं आपसे ए, मुझे फोर्स निकालना है इस पर कितना फोर्स होगा, इस केस में कितना फोर्स होगा और इस केस में कितना टॉर्क होगा ये निकालना है, इस केस में कितना फोर्स होगा मतलब क्या, मतलब ऐसा नोटिसेबल पॉइंट, डॉट फील्ड का मीनिंग क्या है, आउटवर्ड है इनवर्ड है, मतलब ये आपके पास में प्लेन ऐसा था और फील्ड ऐसी आ रही है बाहर की तरफ, यहां से फील्ड कैसी आ रही है, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड, बराबर। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा थीटा एंगल से बेंड कर दिया, फील्ड अभी भी ऐसी आ रही है, पहले ऐसा था, फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल था 90, अब आपने जिसे जब थोड़ा सा थीटा से इंक्लाइन किया, तो देखो ये रहा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ
प्लेन ऑफ बुक। जैसे आप थीटा से इंक्लाइन करोगे तो नॉर्मल भी कितने से घूमेगा, मान लो आपने 30 से घुमाया तो नॉर्मल भी कितने से घूमेगा, 30। पहले नॉर्मल में कितना एंगल था, 90। अभी भी नॉर्मल में कितना है, 90। सरफेस से नॉर्मल है लेकिन कितने से घूम गया, 30। ये केस अभी अभी आपने सॉल्व किया था कि बुक ऐसे रखी और फील्ड अंदर की तरफ हो तो नेट फोर्स कितना आया था, 0। नेट टॉर्क भी कितना आया था, नेट टॉर्क भी कितना आया था, 0। ये केस हम जानते हैं कि नेट फोर्स 0 था, नेट टॉर्क 0 था, लूप किसमें था, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम, दो टाइप। पहला कौन सा इक्विलिब्रियम था, ट्रांसलेशनल, और दूसरा कौन सा था, रोटेशनल। भाई पहला इक्विलिब्रियम कौन सा था, ट्रांसलेशनल, दूसरा कौन सा था, रोटेशनल। इन दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम के केस में हम पढ़ चुके थे। यहां पर आपने लूप को थोड़ा सा थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया और अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस पर नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क कितना होगा। लूप, लूप अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने बोला है करंट क्लॉकवाइज यहां से घूमता हुआ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। टोटल कौन सा लूप है, क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप है, क्लोज्ड। और जब भी क्लोज्ड लूप होता है तो नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स कितना होता है, 0। यहां तक सभी को बात समझ में आई। जब भी क्लोज्ड लूप होता है तो नेट फोर्स आता है 0, लेकिन इस केस में नेट टॉर्क निकाल के चेक करेंगे हम लोग कितना आने वाला है। भाई टॉर्क को क्या डिफाइन किया, मैंने आपको क्या बताया, टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्लेस पर परपेंडिकुलर फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज आर, और तीसरा केस आर क्रॉस एफ। भाई लास्ट वाला कब यूज करते हैं, जब वेक्टर मेथड्स यूज करना हो, वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो। पहला और दूसरा ही प्रेफर किया जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑलवेज प्रेफर। पहले समझते हैं F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से समझने की कोशिश करते हैं। L क्रॉस बी इस केस में प्लस आई माइनस आई, प्लस ए और माइनस बी। समझ में ध्यान दे बेटा प्लीज। ए टू बी प्लस या माइनस ए, प्लस या माइनस ए, तो यहां लिख दो जे। मैग्नेटिक फील्ड डॉट मतलब प्लस के माइनस के, भाई क्रॉस होता है तो माइनस के, डॉट है तो प्लस के, और डॉट है प्लस के, तो जे क्रॉस के कितना होता है, आई, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई। तो हम देख सकते हैं जे क्रॉस के प्लस आई माइनस आई, तो इस पे लगने वाला फोर्स प्लस आई, ये लग गया फोर्स मैग्नेट। इसके एग्जैक्ट अपोजिट पे फोर्स का लगेगा लेफ्ट माइनस आई। भाई इस केस में बी टू सी, बोलो बी टू सी कहां पर, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई। मैग्नेटिक फील्ड के भाई आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, यहां लगा माइनस जे फोर्स, यहां लगा प्लस जे फोर्स। यहां तक सभी को बात समझ में आई। और फोर्स का मैग्नीट्यूड चेक करो बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा आई, यहां से आता का लेंथ कितना है स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है कैपिटल बी, कितना है, तो ये आ गया। इस केस में आएगा मैग्नीट्यूड आई, बोलो आई स्मॉल बी कैपिटल बी। लेंथ बोलो किसकी, अभी भी कितनी है स्मॉल बी, कितनी है स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। अगेन इसका आएगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी। यहां का बोल के बताओ कितना आएगा, ये कितना है ए, ये कितना है ए, आई स्मॉल ए बी। अगेन इसका कितना आएगा आई स्मॉल ए बी। यहां तक सभी को क्लियर है। भाई दो बातें समझ में आ गई हमें समझ में आ गया फोर्स के एक्सप्रेशन में, एक बात तो क्लियर है आई फिक्स रहेगा, क्या फिक्स रहेगा आई, दूसरा ये रहेगा बी रहेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मी मैग्नीट्यूड। और तीसरा आप ध्यान रख लेना क्या रहेगा, आर परपेंडिकुलर, क्या रहेगा आर परपेंडिकुलर। यहां तक सभी को बात समझ में, एवरीवन क्लियर, से यस नो। हमें अब समझना होगा फोर्स के एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड की बात की जाती थी तो मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द साइन, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन,
इस केस में पहले ए बी सी डी था आपके पास में, अब मैंने इसे चेंज कर दिया, इसे कर दिया ए डैश, ये हो गया डी डैश, ये हो जाता है सी डैश, ये हो जाता है बी डैश। यहां तक सभी को क्लियर है? मैं इसे कह रहा था ई और इसे एफ, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ई डैश, और ये कितना है आपके पास एफ डैश। बराबर बच्चों? यस सुनो, बताइएगा इस वाले आर्म पर फोर्स कहां लग रहा है, इस वाले आर्म पर फोर्स कहां लग रहा है, बी टू सी आर्म पर फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। बराबर, सभी को क्लियर है? ए टू डी आर्म पर फोर्स कहां लग रहा था, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? पक्का लॉक कर दिया जाए? यहां चेक करके बताइए ए से बी आर्म पर फोर्स कहां लग रहा था, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और सी टू डी आर्म पर फोर्स कहां लग रहा था, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। एवरीवन क्लियर? मुझे करना ऐसा है इस केस में टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है, इस केस में किसका एक्सप्रेशन निकालना है, टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए आप ये सोचो कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, यह हमें सोचना पड़ेगा। जैसे ये आर्म जब पहले ऐसे थी तो इस वाले पे फोर्स कहां लग रहा था, चेक करो, इधर की तरफ, इस पर लग रहा था इधर की तरफ, इस पर लग रहा था डाउनवर्ड, इस पर लग रहा था अपवर्ड। जैसे ही आपने इसे टिल्ट किया तो टिल्ट करने से क्या फर्क पड़ा, टिल्ट करने से क्या फर्क पड़ा भाई, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करते एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, तो थीटा क्या होता है, व्हाट इज अ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, डॉट मतलब कैसा था, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड। बराबर, ए टू बी अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। भाई करंट कहां फ्लो हो रहा था, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। यहां तक सभी को क्लियर है, मतलब प्लस या माइनस जे, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के, दोनों के बीच का एंगल साइन 90 कितना होता है, प्लस वन, साइन 90 कितना होता है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं हुई। अभी भी देखो ये ए टू बी था, अभी ये बी टू सी, अभी भी आप चेक करो बी टू सी कहाँ है, राइट या लेफ्ट, प्लस आई माइनस आई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, कहाँ है, दोनों के बीच का एंगल चेक करो, साइन 90 प्लस वन, प्लस वन मैक्सिमम मिनिमम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेम सी टू डी माइनस जे, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 प्लस वन, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब इस केस में देखो डी टू ए, डी टू ए माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई, फील्ड कैसा है, प्लस के माइनस के, प्लस के, अभी भी कितना एंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप टिल्ट करते हो तो आपके टिल्ट करने से देखो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी वैसे ही था, लेकिन इस बार साइड टिल्ट हो गई। यह सुनो, ये देखो पहले ऐसा था 90 डिग्री, अब टिल्ट किया तो ऐसा हो गया, तो बताइए ये वाली साइड और मैग्नेटिक फील्ड अब 90 डिग्री पर है क्या, ये देखो पहले 90 पे थे अब 90 डिग्री पर है क्या, एंगल चेंज हुआ है या सेम है, चेंज हुआ है तो फोर्स, फोर्स सब जगह पे सेम होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट। इसी को हमें समझना पड़ेगा, इसी को हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये समझ में आ गया कि आखिर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि इस वाली ब्रांच पे जाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी, इस वाली साइड पे जाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी, यहां पर आई स्मॉल है कैपिटल बी, आई स्मॉल है कैपिटल बी, आई फिक्स रहने वाला है, बी फिक्स रहने वाला है। अब जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके कारण आएंगे, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक सभी को क्लियर है, कीजिएगा कॉपी कीजिएगा।